All right, everyone. So we are recording a new episode in my new setup, जो कि अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है. Anyway, आजकल मनी, पैसा, क्रिप्टो, स्टॉक्स, वेंचर, स्टॉक्स, ये सारे ऐसे कीवर्ड्स या शब्द हैं जिनके बारे में बातें और इंटरनेट पर सर्चेस काफी ज्यादा होने लगे हैं. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर जनरेशन के पास अपनी एक फेवरेट टेक्नोलॉजी ऑफ मनी है जिसके बारे में आपस में वो डिस्कस करते हैं. चाहे वो बहनचोद माइक क्यों नहीं सेटअप हो रहा मेरा, चाहे वो 14 से 24 साल के हों जिनको क्रिप्टो पसंद है, या 25 से 30 साल के जो म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, स्टॉक्स वगैरह वगैरह इनको समझते हैं, इनकी बातें करते हैं, या 30 से ऊपर जो एक लार्ज स्केल एसेट्स में बात करते हैं जिसके बारे में हम आज वीडियो में बात नहीं करेंगे. फंडा क्या है ना बॉस, जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से कुछ ना कुछ या तो हर वक्त बहुत एडवर्सली फास्ट बदल रहा है या बिल्कुल चेंज होके एक ऐसी नई फॉर्म ले रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा. जैसे पहले इंटरनेट आया, इंटरनेट से कनेक्टिविटी आई, फिर स्मार्टफोन्स आए तो कनेक्टिविटी हाथों में आ गई, फिर स्मार्टफोन्स पर स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर ऐसी सर्विसेज आई. लाइफ में कन्वीनियंस पर टेक्नोलॉजी लग गई. लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है दैट टेक्नोलॉजी हैज रीच्ड मनी, फिनटेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि फंडामेंटल्स ऑफ मनी, जिसके बारे में हमको घंटा कोई आइडिया नहीं है, अब और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. या तो हमें वो बिल्कुल ही समझ नहीं आता, या हमें समझ आ जाए तो जब हम किसी को समझाने जाते हैं तो उसको समझ नहीं आता. बावजूद इसके मनी सबको मैटर करती है और मनी के मैटर भी बहुत ज्यादा होते हैं. और एक सेइंग है, वी फियर व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड. कुछ ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग है हम सबकी पैसे के साथ. आज हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, इन सब की बातें हो रही है, पर उतना ही इस कॉन्सेप्ट के साथ एक फियर भी एसोसिएटेड है. क्योंकि पैसा यानी रिस्क, इन्वेस्टमेंट माने भी रिस्क, और ऊपर से हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे मनी टॉक्स को एक कैजुअल लेवल पे डिस्करेज किया जाता है, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता. देयर इज सम शेम एसोसिएटेड विद इट. If you have too much of it, तुम बता नहीं सकते हो सबको, और कम है तो वैसे नहीं बताओगे जो कि सब जज करेंगे. Anyway, there is a judgment always involved whenever there is a talk of money. पर चलो, कुछ लोगों को थोड़ी नॉलेज है भी जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड है, पर वो भी कितने ही है. स्टेटिस्टिकली बात करें तो भारत की सिर्फ 2% जनता है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और इसमें से नाम भर के लोग हैं जो पैसा बनाते हैं, बाकी सब इस मार्केट में पैसा खोते हैं. अपने देश में, इंडिया में 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, यानी 130 करोड़ लोग हो गए, जिसमें से सिर्फ 18 मिलियन लोग हैं इक्विटी मार्केट में. म्यूचुअल फंड्स की भी सेम कहानी है, 2 करोड़ इन्वेस्टर हैं, विच इज अराउंड, यू नो, विच इज इवन लेस देन 1.5% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन. तो क्या मतलब है इसका, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड बुरे हो गए? ना, वो जो है सो है. दिक्कत ये है कि हमको नॉलेज नहीं है इन चीजों की, इन मार्केट की, इसलिए ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं इसमें. क्योंकि फोमो है ना, दूसरे लगे हुए रेस में इन्वेस्ट करने में, तो हमसे भी रहा नहीं जाता, हमको भी लगाने जरूरी है, लग गए रेस में, एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया. फिर क्रिप्टो जो है वो तो और भी सेंसिटिव टॉपिक ऑफ मनी है, क्योंकि अपन ने मनी के फंडामेंटल्स कभी समझे नहीं, और वो समझे बगैर लग गए हम स्टॉक मार्केट में, जो कि सिर्फ 2% लोगों को समझ आता है, या 2% लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं. इसलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जल्दी से नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में एकदम सिंपल में समझते हैं व्हाट इज मनी एंड व्हाई इज मनी एंड हाउ डिड मनी रीच्ड क्रिप्टो. पैसा जो है वो लगभग ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है. शुरुआत होती है बार्टर सिस्टम से, जहां आप गेहूं के बदले बकरी ले लेते हो, बकरी के बदले गाय, बकरी और गाय को हटा देते हैं, मान लो कि बकरी के बदले जमीन, ठीक है. फिर जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, एक नया कॉन्सेप्ट आया, टोकन मनी, जिसमें वैल्यूएबल एसेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, इन दोनों को चुना गया एज द टोकन टू ट्रेड, क्योंकि ये प्रेशियस थे, ऐसे हर कहीं पड़े हुए नहीं मिल जाते थे, मेहनत लगती थी ढूंढने में, यानी इनकी अपने आप में ही ना एक वैल्यू थी, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड गॉड्स मनी. बेसिकली अब आप गेहूं की जगह बकरी नहीं ले रहे, और आप इंस्टेड यूज कर रहे हो टोकन्स टू प्रैक्टिस
ट्रेड, ट्रेड यानी ट्रांजेक्शन, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमंस में लेन देन चलता रहता है, कुछ ना कुछ पोजेस वो करते हैं, देते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेते रहते हैं कुछ ना कुछ, और उसके लिए उन्होंने टोकन बना दिया, तो टोकन हो गया गोल्ड और सिल्वर। अब ये कॉन्सेप्ट इतना सही लगा लोगों को कि सेंचुरीज तक ऐसे ही ट्रेड किया जाता रहा। इनफैक्ट आज भी गोल्ड इज एसोसिएटेड विद वेल्थ, बट इसके साथ भी ना दिक्कत थी, इसके साथ भी शॉर्टकमिंग्स थी। अब दिक्कत क्या हुआ कि जब गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आया तो लोगों ने नोटिस किया कि अब क्या कर रहे थे लोग, जब सिक्का देने जाते थे किसी को, दुकानदार को, तो वो थोड़ा सा ना स्क्रेप कर लेते थे, स्क्रेप कर लेते थे। तो मतलब मान लो अब हो क्या रहा है कि भाई वो अब जो वो टोकन है वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। किसी के पास अगर 1 ग्राम सोने का एक टोकन था तो वो 0.989795 ऐसे ऐसे ना मार्केट में खुरदने लगे कॉइन्स। तो बेसिकली द कॉइन्स वर लूजिंग इट्स ओन वैल्यू। तो इसका क्या सॉल्यूशन आया फिर? तो इसका सॉल्यूशन आया पेपर नोट्स एंड मेटल कॉइन्स। पेपर नोट्स सबसे पहले चाइना ने अडॉप्ट किए थे इन 7th century, बट हम ह्यूमंस हैं, कोई नई चीज आती है तो पहले हम उसको समझते नहीं है, जैसे क्रिप्टो। तो उस वक्त 7th century में चाइना ने जब अपना सिस्टम निकाला तो कुछ टाइम लोग स्केप्टिकल थे, सबने नहीं अपनाया ये, बट 17th century तक लोगों को इस चीज की अवेयरनेस आने लगी और 17th century में ये ग्लोबली एक्सेप्ट होना चालू हो गया। 10 सेंचुरियां लगी बिटकॉइन को, तो सिर्फ 10 साल हुए आए हुए, 10 से थोड़े ज्यादा हो गए। और पेपर नोट्स की जर्नी भी ना अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू तो सबको समझ आती थी, सब लोग जानते थे, पर अब दिक्कत लोगों को ये थी कि लोग कह रहे थे कागज की भाई क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू कहां से आके हम, ये क्या वैल्यू लेके आ रहा है। तो आया कॉन्सेप्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड। सिंस नोट्स की अपनी, ये जो नोट होते हैं इनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं थी, ना ही मेटल कॉइन्स की थी, सो दीज नोट्स एंड कॉइन्स वर बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। तो 1944 तक, यानी वर्ल्ड वॉर टू तक यही मामला चलता रहा। फिर थोड़ा और चेंज आया, उस चेंज का नाम था द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, अंडर द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। आप गूगल करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में थोड़ा और। थ्रू विच एक फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट क्रिएट किया जा सके यूजिंग गोल्ड एज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, और ये सिर्फ सेंट्रल बैंक्स के थ्रू ही होता था, सेंट्रल बैंक्स ही करते हैं वैसे सब कुछ। और 1971 में ये सिस्टम भी खत्म हो गया, और इसके टर्मिनेशन के साथ ही ये जो नोट या कॉइन्स थे मार्केट में, इन पर गोल्ड की या सिल्वर की बैकिंग, यानी ये इसको बैक करते थे, वो बैकिंग खत्म हो गई। और फिर हम आए फियाट करेंसी पर, जहां थे पेपर नोट्स विच आर नो लॉन्गर बैक्ड बाय दीज प्रेशियस एसेट्स या मेटल्स, गोल्ड या सिल्वर। यही सिस्टम हम आज भी यूज करते हैं और यूनिवर्सली भी यही सबसे पॉपुलर है। जो आप ऐसे बाइनेंस वगैरह अगर आप चलाते हो तो आप उसमें देखते होंगे कि वो फियाट करेंसी लिख के आता है। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि How does paper hold any value by itself? So now the government assigns value. Government जो है वो इनकी value assign करती है by declaring it as a legal tender. Government सिर्फ note के रंग बदलने का power नहीं रखती है, उसकी value भी वही decide करती है। I hope ये lesson हम तभी समझ गए थे जब demonetization हुआ था, हमने देख लिया था। तो सिंपल सा फंडा ये है कि गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज करती है टू इन्फोर्स द वैल्यू ऑफ दीज पेपर नोट्स। गवर्नमेंट अपनी पावर से ही इनकी वैल्यू डिक्लेयर करती है, और इस कॉन्सेप्ट को लोग कलेक्टिव इल्यूजन बोलकर भी डिस्क्राइब करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही डरावना भी है। इतनी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में दोगे तो बहुत ऑब्वियस है कि वो उसका मिसयूज भी कर सकती है, और क्यों ना करे। दुनिया का इतिहास है कि पावर इज द मोस्ट मिसयूज्ड थिंग्स बाय ह्यूमंस। जिम्बाब्वे का इकोनॉमिक क्राइसिस एक क्लासिक एग्जांपल है कि भाई उनकी गवर्नमेंट ने क्या हगा था, मॉनेटरी पॉलिसी मिसमैनेजमेंट ने उनकी मां चोद के रख दी थी। हाउएवर सिर्फ यही एक एग्जांपल नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां की लोकल करेंसी की वैल्यू इतनी गिर चुकी है दैट दे प्रेफर कीपिंग देयर सेविंग्स इन हार्ड फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर। उनको नहीं अपनी करेंसी पे भरोसा, वो अपना जो भी पैसा होता है डॉलर या यूरो में डाल के छोड़ देते हैं। एक दूसरा अल्टरनेटिव उनके पास होता है गोल्ड सिल्वर, और रिसेंटली बिटकॉइन भी आ गया है, क्योंकि भाई उनकी करेंसी का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आया हो जाता है, उनकी करेंसी गिरती जाती है, और वो यूनिवर्सल मार्केट में उनके पास पैसा कुछ है नहीं जिसकी फिर वैल्यू रह गई। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स और चुतियापों को सॉल्व करने के लिए यहीं से क्रिप्टो करेंसीज का गेम शुरू होता है, जहां सेंट्रल अथॉरिटीज बैठी है इकोनॉमी को फकअप करने के लिए। यूएसए 2008 का क्राइसिस सबसे क्लासिक एग्जांपल है इस चीज का।
और 2008 क्राइसिस के बारे में नहीं मालूम है तो एक मूवी देखो जाके, द बिग शॉट, कि कैसे सेंट्रल अथॉरिटीज तुम्हारे पैसे जो बैंक में पड़े हैं या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का मजाक बना के रख देती है। और इस क्राइसिस के तुरंत बाद एक एनोनिमस बंदा जिसको हम आज बोलते हैं सतोशी नाकामोटो, एक रेवोल्यूशनरी डिसेंट्रलाइज करेंसी लॉन्च कर देता है जिसका नाम है आज बिटकॉइन। और रिसेंटली अगर आप न्यूज में देखोगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ऑफिशियल करेंसी। और आई थिंक सबसे पहली थी एल सल्वाडोर जिसने लास्ट ईयर ये स्टेप लिया था, विच इज क्रेजी। करेंटली वेनेजुएला, अगर मैं इसका नाम सही बोल रहा हूं तो, हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल करेंसी। जनवरी 2018 में वेनेजुएला का इन्फ्लेशन रेट 84% पहुंच गया था। और इस क्राइसिस से डील करने के लिए उन्होंने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लाए, पेट्रो, अ गवर्नमेंट इशूड क्रिप्टो करेंसी रनिंग ऑन अ ब्लॉकचेन एंड बैक्ड बाय द कंट्रीज ऑयल रिजर्व। करेंसी का नाम पेट्रो है और उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे लॉन्च करी और उन्होंने उसको बैक किया है अपने कंट्री के तेल के रिजर्व से। अब ये सुनने में कितना अमेजिंग है ना कि एक कंट्री ने अपनी ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी, ना 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 ना। दिक्कत ये है कि क्रिप्टोकरेंसी का नेचर तभी जस्टिफाई होता है अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। क्यों? क्योंकि अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं है जो उसको गवर्न कर रही है, लेकिन वेनेजुएला के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी करेंसी को सेंट्रलाइज तरीके से, जो क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, उन्होंने अपनी पावर में ही क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की है। अगेन दिक्कत वही है कि सब कुछ आप सही कर रहे हो पर लास्ट में उसका जो वो सेंट्रलाइज नेचर है ना, वो आपको इफ्स एंड बट्स दे देता है क्योंकि आपके पास अभी भी पावर है टू मैनिपुलेट दिस करेंसी, मैनिपुलेट द इकोनॉमी। तो सीखने वाली बात यह है कि भाई क्रिप्टो करेंसी अगर है तो जब तक वो डिसेंट्रलाइज नहीं है तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। चाइना ये ऑलरेडी कर चुका है सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी लाके एंड इट वॉज अ वेरी बिग फेलियर, क्योंकि वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ, यू नो, वो नेचर ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। इस वीडियो को मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं बम्बार्ड करूंगा तो आपके वो ब्रेन में जाके उसको और मैसअप करेगा। इस वीडियो का मेरा मोटिव था कि मैं आपको पैसा, उसका बेसिक फंडामेंटल और वो अभी तक क्रिप्टो तक कैसे पहुंचा, इससे मैं इंट्रोड्यूस करूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड पेनिट्रेशन करेंगे अबाउट द ओजी, द पप्पा ऑफ क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन, विच इज अमंग माई फेवरेट, जहां से कहानी अपनी और आगे बढ़ेगी। इस वीडियो से आपके कोई सवाल है या कोई ऐसी चीज है जो मेरे बोलते हुए आपको स्ट्राइक करी या समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस द नेक्स्ट एपिसोड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यूट्यूब तुमको नोटिफाई कर देगा एवरी फ्राइडे जब मैं ये पोस्ट करूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एल्गोरिदम को भी तो चाहिए ना भाई कि लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, थोड़ा प्रमोट करती है वीडियो को और हम जैसे लोगों को दिखाती है जो देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, दिस इज विजय सारन एंड आई एम साइनिंग ऑफ।